इंदौर के पालिया गांव में एक बीजेपी वर्कर की हत्या हुई है, उसने वोट डाला बीजेपी को, इसको लेकर उसे उसकी हत्या की गोली मार। आसन्न पराजय से बौखला गई है कांग्रेस। तुलसी सिलावट के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ता नेमीचंद तंवर जी पे हमला किया, गोली चलाई, और कारण केवल एक था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। ये सत्ता के मद में चूर होकर कांग्रेस के लोग, जिनमें मंत्री शामिल है, मध्य प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री को, सरकार को भी चेतावनी देता हूं और प्रशासन से भी ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कभी चुनावी हिंसा नहीं हुई। जो आरोपी हैं उन्होंने केवल तंवर जी को नहीं मारा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी घायल हैं, परिवार के साथ मारपीट की है। ये हिंसा असहनीय है। प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, अपराधियों को गिरफ्तार करे, उनको सजा मिली है सुनिश्चित करे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं बैठूंगा नहीं, मैं कल जाऊंगा उस गांव में, और ढंग से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर मैदान में भी निपटेंगे इस सरकार से। सत्ता के मद में चूर होकर मंत्री हत्याएं करवा रहे हैं, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, उन्हें हम मैदानी लड़ाई लड़ेंगे।